अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आबिद हुसैन, यू आर मैथमेटिक्स टीचर। इन फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 में 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 8.2। 8.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले चंद एक डेफिनेशंस हैं। नंबर 1, सबसे पहले कि हमारे पास 8.2 के अंदर व्हाट इज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन एक ऐसी पॉलीनोमियल होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, और अगर उसका हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसकी जनरल फॉर्म है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है, जिसमें एक्स की डिग्री 1 है, और इन दिस केस हर सूरत में जो ए होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, बी 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसी पॉलीनोमियल फंक्शन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। यहाँ पर भी जो हाईएस्ट डिग्री 2 है इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। बी और सी 0 हो भी सकते हैं, दोनों भी 0 हो सकते हैं, दोनों 0 नहीं हो सकते, कोई एक भी 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी एक्स के कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इसका ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ, ये एक पैराबोलिक बनता है, और ये ऐसा पैराबोला होता है या तो ये ओपन अप है या फिर ये ओपन डाउन है। तो इस तरह ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज अ पैराबोलिक विच इज ओपन अप और ओपन डाउन। ये ओपन अप किस वक्त होगा, जिस वक्त एक्स के कोएफिशिएंट जो ए है वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। अगर ए लेस देन 0 है तो फिर ये ओपन डाउन हो जाएगा, और इसका जो वर्टेक्स होगा, जाहिर है कि जिस वक्त हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ इसका कुछ इस शेप में बनेगा। ये इसका वर्टेक्स होगा, अगर ए पॉजिटिव है तो इस तरह ओपन अप हो जाएगा। ये जो वर्टिक्स हैं, वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस बी डिवाइड बाई 2a एंड c माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, ये इसका वर्टिक्स होगा। तो वर्टिक्स के बगैर हम इस पैराबोला को ड्रॉ नहीं कर सकते, हमारे पास वर्टिक्स होना चाहिए, बाकी दोनों साइडों पे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, अदरवाइज का ग्राफ ड्रॉ नहीं होता। अब सबसे पहले आ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके दो पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्वेश्चन इज दैट कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें। अब हमें पता है कि गिवन के अंदर हमारे पास s, हमारे पास जो गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक लीनियर फंक्शन है, इज अ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। अगर ये एक लीनियर फंक्शन है तो लाजमी तौर पर इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए अगर हमारे पास दो भी पॉइंट हों तो लाइन ड्रॉ हो सकती है, इसके लिए दो से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो पॉइंट का होना लाजमी होगा। तो इस तरह हम सिर्फ दो ही पॉइंट ले लेते हैं, लाइन ड्रॉ करनी है लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नाउ इट्स अ लीनियर फंक्शन एंड इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है।
अब इसके लिए मैंने आपसे कहा कि मैं दो ही पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ। वो कौन से दो पॉइंट है जो इजीली कैलकुलेट किए जा सकते हैं? नंबर वन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो। लाइज ऑन द वाई एक्सिस, दैट इज वाई इंटरसेप्ट, हेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर ये दो ही पॉइंट मिल जाए, ड्रॉ करना भी आसान है, लाइन भी इजीली ड्रॉ हो जाएगी। सो वी हैव टू फाइंड ओनली टू पॉइंट्स, वन एक्स इंटरसेप्ट, सेकेंड वाई इंटरसेप्ट। नाउ फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। वाई मीन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, किसके अंदर? इस गिवन फंक्शन के अंदर। तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिल जाएगा कि दैट इज टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई दैट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 1.5 इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह हमारे पास देयरफॉर इसका एक्स इंटरसेप्ट आ जाता है, एक्स इंटरसेप्ट आ जाता है एक्स इज इक्वल टू माइनस 1.5 और वाई इज इक्वल टू जीरो। नाउ सेकेंड वी हैव टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट। वी विल टेक फॉर वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करेंगे? हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वाई के। देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जो एफ ऑफ एक्स है, इसको हम वाई का ही नाम दे देते हैं, टू इंटू जीरो प्लस थ्री, दैट इज वाई इज इक्वल टू थ्री। देयरफॉर वी कैन से दैट वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट आ जाता है जीरो एंड थ्री। हमें दो पॉइंट मिल गए, वन इज एक्स इंटरसेप्ट एंड द अदर इज वाई इंटरसेप्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ग्राफ के लिए हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्राफ। ग्राफ के लिए हमने ये एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, एक्स इंटरसेप्ट द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस माइनस 1.5 एंड जीरो, जीरो इज द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और ये आ जाएगा वाई एक्सिस। नेगेटिव नंबर जीरो से लेफ्ट साइड पे होगा। अप्रोक्सीमेटली हमने पॉइंट ले लिए माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस 1.5, माइनस वन और माइनस टू के दरमियान होगा। इस पॉइंट को नाम दे देंगे माइनस 1.5 एंड जीरो, दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेकेंड जीरो थ्री, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू थ्री, लाइज ऑन द वाई एक्सिस, दिस पॉइंट वन टू थ्री एंड फोर, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इससे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जीरो एंड थ्री। इसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, इस तरह आपने आपस में मिला दिया और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया। ये आपके पास ग्राफ आ जाता है किसका? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्राफ आ गया जो फंक्शन हमारे पास था, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री का। तो इस तरह आप लोगों ने लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। इस पर सिर्फ दो ही मैं पॉइंट कैलकुलेट करूँगा, वन द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, सेकेंडली द पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस दैट इज वाई इंटरसेप्ट। इन दोनों को एक्स वाई प्लेन में ड्रा करेंगे और इन पॉइंट को इस तरह आपस में मिला देंगे, अप टू सो ऑन दोनों साइडों पर एक्सटेंड होगा, यही आपके पास ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन हो जाएगा।
सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क होगा, आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इसमें आपने करना क्या है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, इसमें आप लोगों ने वर्टेक्स कैलकुलेट करना है। नंबर 2, तमाम के तमाम इंटरसेप्ट, मतलब एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, एक्सिस, इसका एक्सिस कौन सा होगा पैराबोला का। एंड नंबर 4, ये ओपन अप है या ओपन डाउन है। सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये किस फॉर्म में होगा, ये मैंने अभी डिफाइन किया था। द गिवन फंक्शन, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इस फॉर्म में है। अगर ये इस फॉर्म में है तो इसका ग्राफ एक पैराबोला होगा और इसके साथ साथ इसका जो एक्सिस होगा ये वर्टिकल होगा, क्योंकि या तो ओपन अप है या ओपन डाउन है। देयरफॉर द एक्सिस इज, एक्सिस, एक्सिस इज वर्टिकल। क्या मतलब, पैरेलल टू वाई एक्सिस। वर्टिकल मीन पैरेलल टू, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका फोर्थ पार्ट, जो थर्ड पार्ट जो एक्सिस आ जाता है वो क्लियर हो गया। अब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को, इसको मैं वन का नाम दे देता हूँ और इसको टू का नाम दे देता हूँ। कंपेयरिंग वन एंड टू, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस वन है, बी इज इक्वल टू 6 है और सी इज इक्वल टू माइनस 5 है। इसमें चेक करें, व्हाट इज ए, ए इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज लेस देन 0। ए नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव है, ओपन डाउन है। ए पॉजिटिव है, ओपन अप है। अब यहाँ पर ए इज नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0 इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोला, पैराबोला इज ओपन डाउन। अब ये ओपन डाउन हो गया, इस तरह इसका ये थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया और इसके साथ साथ फोर्थ पार्ट भी हो गया सर। अब आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट इसका वर्टेक्स है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए थे जो वहाँ पर डिफाइन किए थे, माइनस बी डिवाइड बाई 2a एंड c माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द वर्टेक्स। व्हाट इज द वर्टेक्स, हम ले लेते हैं, द वर्टेक्स इज, द वर्टेक्स इज क्या हमारे पास, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a एंड c माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4a। ए बी सी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। देयरफॉर इसको मैं नाम देता हूँ, इसका जो वर्टेक्स है वो एक्स वाई है। तो इस तरह x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 2, सिंप्लीफाई करेंगे विच इज 3। वर्टेक्स x कंपोनेंट इज 3। नाउ y कंपोनेंट, y इज इक्वल टू c माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a, c माइनस 5, बी स्क्वेयर 6 का स्क्वेयर 4, a इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 5 माइनस 36 माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 4, 4 वन दर 4, 9 फोर दर 36,
माइनस फाइव प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर, एक्स कंपोनेंट थ्री वाई कंपोनेंट फोर, व्हाट इज द वर्टेक्स, देयरफॉर इसका जो वर्टेक्स आ जाता है, वर्टेक्स इज थ्री एंड फोर विच इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए हमने फार्मूला यूज किया माइनस बी बाई टू ए एंड सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर ए इज द वर्टेक्स। इस तरह इसका फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो गया। आफ्टर फर्स्ट पार्ट लास्ट वन पार्ट ऑल इंटरसेप्ट, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जो एफ ऑफ एक्स होगा इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे गिवन इक्वेशन के अंदर। इस तरह ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो फैक्टराइज करेंगे। सिक्स वंदर सिक्स, फाइव इंटू वन फाइव वंदर फाइव, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, मिड टर्म ब्रेकिंग। हेयर एक्स इज कॉमन, एक्स माइनस फाइव माइनस वन इज कॉमन एक्स माइनस फाइव। नाउ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, देर आर टू फैक्टर्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक दो वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू फाइव। या तो एक्स वन है या एक्स फाइव है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए जो एफ ऑफ एक्स था वो जीरो पुट किया, जीरो पुट करने के बाद हमने इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से ताकि एक्स का क्वेश्चन प्लस हो जाए, लाजमी नहीं है बेहतर है कर दें। फिर उसके बाद फैक्टराइज किया मिड टर्म ब्रेकिंग से, फाइव अंदर फाइव सम माइनस सिक्स प्रोडक्ट फाइव, फैक्टर बने एक्स माइनस वन और एक्स माइनस फाइव, जीरो से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और इस तरह एक्स की वैल्यू आ गई और व्हाट इज वाई जीरो, दो हमें मिले एक्स इंटरसेप्ट। तो कौन कौन से एक्स इंटरसेप्ट आ गए, देन एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट आ जाते हैं, दे आर पहला एक्स इज इक्वल टू वन वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई इक्वल टू जीरो, दीज आर टू एक्स इंटरसेप्ट। नेक्स्ट फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑन वाई एक्सिस द एक्स कंपोनेंट इज जीरो। इसी क्वेश्चन के अंदर जिस वक्त एक्स जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाई दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू जीरो माइनस फाइव, दैट इज वाई एफ ऑफ जीरो कह सकते हैं, ये वाई होगा वाई इक्वल टू जीरो प्लस जीरो माइनस फाइव, दैट इज माइनस फाइव। एक्स जीरो है वाई माइनस फाइव है तो हमारे पास क्या वाई इंटरसेप्ट आ गया, देयरफॉर वाई इंटरसेप्ट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू माइनस फाइव। इस तरह आप लोगों ने वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किया और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने वाई इज इक्वल टू जीरो पुट किया और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ओपन अप ओपन डाउन के लिए ए और बी, ए का साइन चेक किया, ए पॉजिटिव है जो एक्स का कोएफिशिएंट है, ओपन अप ए नेगेटिव है ओपन डाउन। वर्टेक्स कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने फार्मूला यूज़ किया माइनस बी बाई टू ए एंड सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर ए। एक्सेस चेक करने के लिए सिंपल है एक्स स्केयर की फॉर्म में है, ये हमारे पास हमेशा वर्टिकल होगा और हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में है ही ओनली वर्टिकल, बाकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या जो भी
इंक्लाइनेशन के फॉर्म में आएंगे वो सेकेंड ईयर में आएंगे। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एक एक पार्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और चारों पार्ट शॉर्ट या लॉन्ग में भी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।